मुरादाबाद में सपा ने लोहिया जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी हुई आयोजित। रविवार को समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रख्यात समाजवादी चिंतक एवं दार्शनिक छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की 13वीं पुण्यतिथि पर एक विचार गोष्ठी कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। विचार गोष्ठी में बोलते हुए मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एस डी हसन ने कहा कि जनेश्वर मिश्र एक ईमानदार नेता थे और समाजवाद के स्तंभ थे। उन्होंने कभी ऊंच नीच की राजनीति नहीं की, हमेशा समाजवाद का रास्ता अपनाया। हम सभी समाजवादियों को भी उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। इस दौरान जिला अध्यक्ष टीपी यादव ने कहा कि जनेश्वर मिश्र जी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बहुत लगाव रखते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिसकी वजह से आज उन्हें याद करते हैं। कार्यक्रम में उनके चित्र पर मालार्पण कर एवं पुष्पांजलि करते हुए सभी समाजवादियों ने उनको नमन किया। देखिए, आज जनेश्वर मिश्र जी की पुण्यतिथि है। वो सिर्फ समाजवादियों के ही नेता नहीं है बल्कि देश के बहुत बड़े नेता थे, जिन्होंने समाजवाद का और जिन्होंने एकता का संदेश पूरे देश को दिया था। हर गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की थी, जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद करी और इनकलाब लेकर आए थे। समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी थे और उनके उसूलों पर चलकर ही आज हम ये समझते हैं कि पूरे देश का उद्धार हो सकता है। और आज उनके विचारों का, उनके उसूलों की देश को सख्त ज़रूरत है। ऊंच नीच, भेदभाव, गरीब अमीर का फ़र्क और आज जिस हालात से देश गुजर रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लोहिया जी को हम स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का देश को सबक दिया, जो देश के लिए, तमाम दुनिया के लिए एक सबक है और देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे आदरणीय सांसद एसटीएसन साहब और समाजवादी पार्टी के जिला मुरादाबाद के कार्यकर्ता और नेता आज अपने नेता जनेश्वर मिश्र जी की पुण्यतिथि पर उनको याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जनेश्वर मिश्रा जी केवल हमारी पार्टी के नेता नहीं थे, वो जनमानस के नेता थे। उन्होंने एक आम आदमी की, सबसे पीछे खड़े हुए आदमी की आवाज़ उठाने का इस देश में काम किया है और उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता का उन्होंने काम किया है और उन्होंने समाजवाद का परचम लहराने का एक बहुत बड़ा काम किया है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। आईवीएफ में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।